ओके सैलरी नाउ सेकंड पार्ट 17-2 वाला मतलब कौन सा बच्चों परक्विजिट्स बराबर एवरीबॉडी व्हाट इज अ परक्विजिट बच्चों कैन टेल मी क्विकली इट इज जस्ट अ बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ओके अगर एम्प्लॉयर वो खर्चा नहीं करता था तो क्या होता था बच्चों इट वॉज ऑब्लिगेशन या फिर वो खर्चा था किसका एम्प्लॉय का था बट एम्प्लॉय ने खर्चा करने के बजाय वो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया या फिर दैट फैसिलिटी और सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई बराबर एवरीबॉडी यस हाँ या ना ओके सो इट मे बी प्रोवाइडेड कैश और काइंड जो भी रहेगा चलेगा सो परक्विजिट विल बी ऑब्वियसली टैक्सेबल एज अ सैलरी अंडर सेक्शन 17-2 परक्विजिट बच्चे तुम्हारे दो टाइप के रहेंगे चेक करो इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड देन इन केस ऑफ बच्चों ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज हाँ या ना एंड सम परक्विजिट व्हिच आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट yes or no not taxable can you give me example of one single perquisite aisa koi jo exempt hai employee ke hath mein laptop facility computer facility yaad aa raha hai domestic surround not exempt in all cases but sir, irrespective of the type of employee it is exempt hai na kaun sa wala laptop facility ho gaya tumhara hai ki nahi everybody yes sir yes. okay theek hai देन चेक करते हम लोग ठीक है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब बच्चों कौन हो गए तुम्हारे तीन टाइप के हो गए चेक करो कौन ये तो डायरेक्टर एम्प्लॉय मतलब डायरेक्टर भी है कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय भी है देन हुआ इज अ सब्सटेंशियल सच एम्प्लॉय व्हिच हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी मतलब कितना बच्चों एटलीस्ट 20% ओनरशिप है उसके पास ओके एटलीस्ट 20% ओनरशिप है कंपनी का विच काइंड ऑफ ओनर इज रिक्वायर्ड बच्चों विच काइंड ऑफ ओनर बेनिफिशियल ओनर इंपॉर्टेंट है लीगल ओनर बेनिफिशियल ओनर जरूरी है नॉट लीगल ओनर ओके एवरीबॉडी यस ये भी हम लोग कर चुके थे ना एंड लास्टली बच्चों जिसका सैलरी इज मोर देन 50,000 पर मंथ इसके कैलकुलेशन के ऊपर बच्चों कभी ज्यादा कभी क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं आता वो छोड़ दो ठीक है यस क्लियर इन दैट केस अगर तीनों से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है दैट एम्प्लॉय विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यस एवरीबॉडी चलो आते सबसे पहले मैं बच्चों आर एफ ए रेंट फ्री अकोमोडेशन ओके आर एफ यू है फिलहाल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट नाउ मैं जब जब बच्चों वैल्यू ऑफ परक्विजिट कहूं मतलब क्या इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय क्या अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट वी आर चेकिंग है ना क्या उसको बच्चों कैश मिल रहा है क्या कैश नहीं मिल रहा है ना कुछ फैसिलिटी मिल रहा है तो फैसिलिटी का बच्चों वैल्यूएशन कितना है दैट इज व्हाट वी आर चेकिंग इन 17-2 रेड विद रूल 3 यस तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच्चों लाइसेंस फी दैट्स इट हमको कुछ सोचना नहीं उसमें इसलिए लीस्ट पॉसिबल ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आएगा अबाउट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक है so license fee will be the value of perquisite in the hands of employee but agar bachcho wo non government employee hai so now that depends on whether the employer owns the property or does not own the property yes agar own hai to achhi agar nahi own karta to bachcho employer rent pe lega property and employer will pay the rent to the landlord hai na all right so agar suno meri baat if the employer owns the property now it depends on what bachcho population yes Depends on the location or population. बच्चों क्या लिमिट है 10 लाख 25 लाख बराबर है yes. ना yes. 10 लाख और 25 लाख अगर बच्चों population of that particular area is only not more than 10 lakhs okay it is less than 10 lakhs बच्चों कितना 7.5% salary 7.5% salary अगर 10 लाख से लेके 25 लाख तक 10 to 25 lakhs 10% it is 10% of salary और बच्चों 25 लाख से भी ज्यादा 15% of salary सैलरी क्या है फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट हाँ या ना यस प्लस व्हाट बोनस पूरा कमीशन पूरा फीस एंड अदर टैक्सेबल फीस अदर टैक्सेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों अदर टैक्सेबल वर्क विजिट हाँ या ना सो डीए बस तुम्हारा आएगा रिटायरमेंट वाला बाकी सब कुछ आ जाएगा 17-1 वाला स्पेशली बच्चों अदर टैक्सेबल अलाउंस उसको प्लीज मत भूलना ठीक है एवरीबॉडी हाय ना एवरीवन एंड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कैलकुलेशन सैलरी विल बी कंसीडर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस अक्रूअल बेसिस मतलब मान लो बच्चों गलती से अगर एडवांस सैलरी लिया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था है ना अगर एडवांस सैलरी लिया बच्चों एडवांस सैलरी को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सैलरी कैलकुलेशन है ना यस सर ऑलराइट अगर बच्चों मान लो एम्प्लॉयर डजंट ओन द प्रॉपर्टी मतलब एम्प्लॉयर ने बच्चों रेंट पे लिया है लैंडलॉर्ड से What will be the value of perquisite in the hands of employee? Rent Actual paid. rent paid or payable? Payable मतलब मान लो employer ने pay नहीं किया landlord को rent तो क्या फिर भी हम लोग count करेंगे? Yes. Okay. So rent paid or payable by the employer to the landlord or
15% ऑफ सैलरी विच एवर इज ऑब्वियसली लोअर. बच्चों रेंट फ्री और कंसेशनल में क्या फर्क है? कंसेशनल में बच्चों एम्प्लॉई इज पेइंग समथिंग टू द एम्प्लॉयर, समझे? आया ना? सो आप जो भी परपोजिट वैल्यूएशन करोगे बच्चों, एट द एंड देख लेना एम्प्लॉय अगर कुछ पे कर रहा है यू हैव टू रिड्यूस दैट. है ना ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बच्चों कैन परक्विजिट बी नेगेटिव? टेल मी, परक्विजिट का वैल्यूएशन कैन इट बी नेगेटिव? नो. मान लो बच्चों, सुनो मेरी बात, अगर मान लो बच्चों परक्विजिट कोई ना कोई परक्विजिट का वैल्यूएशन जो 1000 रुपए आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ओके, बट एम्प्लॉई ने 1200 रुपए पे किए एम्प्लॉयर को. क्या कहा मैंने बच्चों? परक्विजिट का वैल्यूएशन 1000 रुपए आ रहा है, बट एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को उसके लिए 1200 रुपए पे किए बच्चों, तो क्या बच्चों हम लोग 200 रुपए नेगेटिव लिखेंगे? नो, आंसर इज नो, नील लिखेंगे. ये एम्प्लॉय का नुकसान है वो अलग बात है, जिसके वैल्यूएशन 1000 रुपए आ रहा है एम्प्लॉय 1200 भर रहा है वो एम्प्लॉय का नुकसान है इनफैक्ट, ओके, बट वो हम लोग कैलकुलेशन में नील ही पकड़ेंगे. क्या बच्चों क्लियर? इनफैक्ट वी आर रिकवरिंग मोर फ्रॉम द एम्प्लॉय ना, अगर ऐसा हो गया तो. समझा यहाँ तक सभी को? क्लियर है? अच्छा फाइन, ये भी हो गया, ये भी हो गया. ये तुम्हारे जज वगैरह वालों को बच्चों सब फ्री में रहता है, वो छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, परपोजिट नॉट टैक्सेबल देख लेना. किस किस को? जज वाले को फ्री है, जज ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, याद रखना. बट झगड़ा हो गया था ना कहीं पे तो, बट वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वालों को ही चलेगा बाद में. ऑफिशियल पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन वालों, उनका भी बच्चों फुकट में. देन वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन. तो बच्चों रेंट फ्री या फिर कंसेशनल अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन हम लोग कहेंगे तो बस दो चीजें याद रखना, एक तो घर का पहले वैल्यूएशन करो और बाद में फर्नीचर का वैल्यूएशन अलग से करना. समझे कि नहीं समझे? यस सर. घर का तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, बाद में फर्नीचर का क्या होता है बच्चों? डिपेंड्स, फिर से वही बात है, एम्प्लॉयर इज ओनिंग द फर्नीचर और या फिर उसने रेंट पे ले लिया. अगर बच्चों इफ द एम्प्लॉयर इज ओनिंग द फर्नीचर तो व्हाट इज द वैल्यू पर क्विजिट? 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट. प्लीज याद रखो, अगर 4 महीने के लिए यूज किया गया है देन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनटू 4/12 करना मत भूलना. कोई भी परक्विजिट बच्चों प्लीज बी वेरी केयरफुल, उसको कौन से टाइम से दिया ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? बाय डिफॉल्ट बच्चों 12 महीने का मत करते बैठना, ठीक है? और अगर बच्चों ऑब्वियसली इफ द एम्प्लॉयर हैज इज नॉट ओनिंग द फर्नीचर, उसने खुद रेंट पे लाया है, तो क्या होगा? एक्चुअल रेंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू द सप्लायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. बराबर बच्चों? क्लियर है? अगर बच्चों मान लो कंसेशनल फर्निश्ड अकोमोडेशन रहा, क्या बोला मैंने? कंसेशनल फर्निश्ड अकोमोडेशन रहा, तो क्या करोगे? पहले तुम घर का देखोगे वैल्यूएशन, बराबर है, रेंट फ्री वाला, बाद में फर्नीचर का देखोगे रेंट फ्री वाला, दोनों को ऐड करोगे, बराबर है? उसमें से आप क्या माइनस करोगे? कि जितना एम्प्लॉय ने पे किया है एम्प्लॉयर को. समझे बच्चों? बड़ी देन वी कम टू बच्चों होटल अकोमोडेशन. ये तुम्हारा रेसिडेंस नहीं है प्रॉपरली, ये होटल अकोमोडेशन है, आया ना? इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? एक्चुअल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर टू द होटल और 24% of salary whichever is lower. याद आया? That is the value of perquisite taxable in the hands of employee. इसमें exemption क्या है बच्चों? अगर साल भर में 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया तो that is one exemption, बराबर है? दूसरा कौन सा exemption है? जल्दी बताओ. तुम्हारा ये वाला change of city वाला for office purpose, relocation. याद आ रहा है कुछ? Transfer from one place to another. हाँ या ना? Because of job purposes. याद आ रहा सभी को? Yes, sir. अगर उसके लिए उसको होटल अकोमोडेशन दिया गया था then that is not a perquisite, बराबर है? और टोटल बच्चों 15 दिन का एंड एज वेल अलग से 15 दिन के ऊपर भी नहीं जा रहा आपका साल भर में then even that is not a perquisite. Dear, clear है? Please याद रखो बच्चों यहाँ पे सबसे ज़्यादा one of the highest है 24% है, ठीक है? Yes everybody, हुआ? इसके लिए भी हर जगह चीज के लिए बच्चों सैलरी क्या रहेगा? जैसे like तुम्हारा स्टार्टिंग वाला मतलब अकोमोडेशन वाला, बराबर है? डन. आगे नो परक्विजिट इन फॉलोइंग केसेस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग एट माइनिंग साइट, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, डैम साइट और पावर कमिशनिंग, ठीक है? मतलब बेसिकली इनका जो रेसिडेंस है बच्चों, जो उनको फैसिलिटी दिया रहने का, वो काफी दूर है, ठीक है? वो काफी दूर है, हाँ या ना? सो अकोमोडेशन इन अ रिमोट एरिया विच इज एटलीस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 20,000, इतना रिमोट लोकेशन में हो अगर वहां पर अकोमोडेशन दिया, इट इज नॉट अ परक्विजिट, ठीक है? 40 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन जहाँ का बच्चों पॉपुलेशन भी 20,000 नहीं है, वहां से 40 किलोमीटर कहीं दूर रहेगा तो वहां का अकोमोडेशन बच्चों इज नॉट अ परक्विजिट, इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है? और अगर टेम्पररी नेचर वाला रहा, हैविंग अ प्लिंथ एरिया ऑफ कम से कम सॉरी मैक्सिमम 800 स्क्वायर फीट, लोकेटेड एटलीस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स, कोई ना कोई बट लोकल टेम्पररी स्ट्रक्चर है, अगेन दैट इज नॉट एन टैक्सेबल परक्विजिट.
बराबर है. एंड न्यू अकोमोडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉई, देखा तुमने ऊपर होटल वाला का क्या किया था, सिमिलरली चेक करो. If is provided accommodation, बच्चों होटल में दिया क्या, नहीं नहीं ना, नॉर्मल की बात करें हम लोग, ठीक है ना. सो इफ इज प्रोवाइडेड अकोमोडेशन एट न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाइल रिटेनिंग द अदर अकोमोडेशन द वैल्यू ऑफ परग्रेड विल बी व्हाट बच्चों, लोअर ऑफ कितना, लोअर वैल्यू ऑफ कौन सा, ये वाला नया वाला लोकेशन या फिर पुराने वाला, अच्छी रह गया था ना, बट नॉट एक्सीडिंग मोर देन 90 डेज, मतलब 90 डेज के लिए बच्चों उसका कंप्लीटली एग्जेम्प्ट रहेगा, 3 मंथ्स यू कैन से, बराबर बच्चों. यस राइट. देन फ्री डोमेस्टिक सर्विस, ये हम लोग लास्ट टाइम किया था ना, लास्ट क्वेश्चन था ना, काइंड ऑफ है ना. इसमें क्या हम लोग ने देखा बच्चों, इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉई एंड रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, क्या कहा मैंने, हायर्ड बाय द एम्प्लॉई एंड रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, बच्चों किसके हाथ में टैक्सेबल है, ऑल एम्प्लॉईज, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉईज, बराबर. इफ हायर्ड बाय द एम्प्लॉई, सर्वेंट को, सर्वेंट को बच्चों एम्प्लॉई ने हायर किया और एम्प्लॉयर ने उसका सर्वेंट का सैलरी दिया, then it's taxable for specified as well as non-specified employee, बराबर है. बट अगर बच्चों employer ने hire किया है servant को और employer ही salary pay कर रहा है, क्या बोला मैंने, मतलब employer ने खुद servant hire किया और दिया employee को and employer ही खुद बच्चों pay कर रहा है salary servant को, in that case it is taxable only hands of specified employees, बराबर बच्चों, clear है यहाँ तक, है ना. और जहाँ जहाँ बच्चों employee खुद pay कर रहा है, एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है और उसको रिइंबर्समेंट भी नहीं मिल रहा बच्चों, देन दैट इज नॉट अ परक्विजिट, है ना. यस ओके फाइन. देन परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर और एनीथिंग एल्स प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज और एट अ कंसेशनल रेट, बराबर है. इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एम्प्लॉयर भी यही चीज प्रोवाइड करता है, लाइक गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब किसको प्रोवाइड करता है बच्चों, इज अ मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर यू कैन से ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड यू कैन से क्या था गैस, आया ना, और खुद के एम्प्लॉई को भी बच्चों वो सस्ते में दे रहा है फिर फ्री में दे रहा है, इन दैट केस बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, वेरी गुड. और अगर बच्चों एम्प्लॉयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ दीज सर्विसेज, ऑब्वियसली बच्चों बाहर से लेके आ रहा है, सो द एक्चुअल प्राइस और पेड टू द वेंडर और सप्लायर, आया ना, समझा, दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, बराबर बच्चों, क्लियर है. देन परक्विजिट ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें दो चीजें बच्चों एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, एक तो ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर अरेंजमेंट डन बाय द एम्प्लॉयर, याद आ रहा है, ओन्ड और एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर जस्ट अरेंजमेंट डन बाय द एम्प्लॉयर, दोनों केस में बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, एफएमवी, क्या बोला मैंने, जस्ट लाइक फेयर मार्केट वैल्यू इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट, है ना, इज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट, समझे बच्चों, है ना, वो आपका वैल्यूएशन रहेगा परक्विजिट का, अगर आपके एजुकेशन चिल्ड्रन ले रहे हैं या फिर कोई भी ले रहा है घर में, बराबर है. यस सर. तो कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट पर एग्जेम्पशन बच्चों कितना मिलेगा, किसे मिलेगा, ओनली एंड ओनली एंड ओनली टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई, आया ना, अप टू हाउ मच, रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड. बच्चों चाइल्ड का कितना लिमिट है यहाँ पे, There is no limit of number of children in this case. एक दो तीन चार जितने भी आने तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, हर एक को बच्चों अप टू रुपीज 1000 पर मंथ मिलेगा, ओके. बट अगर बच्चों एम्प्लॉय के भाई ने या फिर डिपेंडेंट भाई ने, बहन ने या फिर कोई और, उन्होंने एजुकेशन का फैसिलिटी लिया रहेगा बच्चों, क्या उनको मिलेगा 1000 रुपए का पर मंथ का ये बेनिफिट, नो. नाउ प्लीज पे अटेंशन, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया एम्प्लॉयर को तो मतलब कैसे होगा, चेक करो, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब क्या, वैल्यूएशन माइनस रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, समझा, उसमें से भी कुछ बच गया और अगर एम्प्लॉय ने वो पे किया, इवन दैट विल बी रिड्यूस्ड, है ना. हमेशा कॉमन सेंस यूज करना, पहले परक्विजिट का वैल्यूएशन निकालो फिर उसमें से वो रिड्यूस करो जो एम्प्लॉय ने खुद पे किया है. एम्प्लॉय अगर पे कर रहा है बच्चों यार प्लीज वैल्यूएशन में से रिड्यूस करना, भूलना मत, क्लियर है. तो अगर एम्प्लॉय का भाई भी एजुकेशन ले रहा है, सुनो मेरी बात, एम्प्लॉय का डिपेंडेंट भाई ब्रदर भी अगर एजुकेशन ले रहा है, कैलकुलेट द वैल्यूएशन, क्या उसको अभी रुपीज 1000 का बेनिफिट दोगे, नहीं, बट क्या आप रिड्यूस करोगे अगर एम्प्लॉय ने खुद पे किया कुछ तो उसके लिए, एम्प्लॉय ने पे किया, यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यूएशन, क्लियर है बच्चों, डन. आगे अगर मान लो एम्प्लॉय ने पे किया है ट्यूशन फीस, एम्प्लॉय ने पे किया ट्यूशन फीस स्कूल को एंड एम्प्लॉयर ने बच्चों दे दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया फीस नाउ टू द एम्प्लॉई, मतलब रीइंबर्स किया बच्चों, इज इट टैक्सेबल,
एम्प्लॉई ने स्कूल का फीस पे किया, एम्प्लॉई ने बच्चों स्कूल का फीस पे किया, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया एम्प्लॉई को, एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया एम्प्लॉई को, तो क्या होगा? टैक्सेबल. टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड. टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो रीइंबर्समेंट ऑफ फीस इज ऑलवेज फुल्ली ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड. बराबर है. देन वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई. बच्चों ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉयर ने कोई खर्चा किया, सुनो मेरी बात, अगर एम्प्लॉयर ने कोई खर्चा किया फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई, तो बच्चों क्या होगा इसका? Exempt. It is exempt. It is not a perquisite. इसमें कोई भी कुछ भी चीज रहने दो, एम्प्लॉयर ने पहले से पूरा पेमेंट कर दिया डायरेक्टली जहां पे सेमिनार रहेगा, जो भी रहेगा ट्रेनिंग का, या फिर एम्प्लॉय ने वो ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया एंड द एम्प्लॉयर हैज रीइंबर्स टू द एम्प्लॉई. समझ रहे हो? फिर भी अगर ट्रेनिंग के लिए, इट इज नॉट अ परक्विजिट. क्लियर? सभी को समझा? यस सर. ऑलराइट, आगे बढ़े. यस सर. अच्छा, बस एक पॉइंट रह गया था, स्कॉलरशिप वाला. जो बच्चों अगर वो विदाउट एनीथिंग एनी काइंड ऑफ, अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, पर अगर स्कॉलरशिप दिया है कोई ऐसे ही कोई चिल्ड्रन चाइल्ड ऑफ द एम्प्लॉय को, दैट इज नॉट अ परक्विजिट. ओके, मतलब ये खुद होके दिया है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था. ओके, इसमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस किया रहेगा, इसलिए उसको अगर कुछ स्कॉलरशिप दिया है एम्प्लॉयर ने, दैट इज नॉट अ परक्विजिट. ओके एवरीबॉडी, डन? हाँ या ना? रीइंबर्समेंट ऑफ फी बच्चों हमेशा टैक्सेबल, और प्लीज याद रखना देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. देन रूल 3-6, फ्री और कंसेशनल टिकट्स. ट्रैवल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एलटीसी, मैं एलटीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कोई एम्प्लॉयर बच्चों हु इज इन द बिजनेस ऑफ व्हाट बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ. क्या बोला मैंने? सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयर हु इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, अगर उन्होंने बच्चों को कुछ कंसेशनल टिकट या फिर फ्री टिकट दे दिए एम्प्लॉय को, तो बच्चों वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? फेयर मार्केट वैल्यू. फिर से बराबर है, मतलब पर ये बच्चों पूरा रूल 3-6 किसको एप्लीकेबल नहीं है? इफ द एम्प्लॉयर इज इन ट्रांसपोर्ट बाय मेथड ऑफ बाय वे ऑफ एयरवेज या फिर रेलवेज. मतलब बच्चों अगर मान लो रेलवे कॉर्पोरेशन ने, रेलवे कंपनी ने उनके एम्प्लॉई को रेलवे टिकट फ्री में दिया, तो इज इट अ परक्विजिट? इट इज नॉट अ परक्विजिट. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? हाँ या ना एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो. In this case, बच्चों to any employee as well as member of the employee, a member, household member of the employee, बराबर, for personal or private journey, बराबर है? Everyone okay लिया? But please याद रखना, पूरा तरह से rule 3-6 का exemption कौन आता है बच्चों, किसके ऊपर applicable नहीं होता है? अगर बच्चों employer airline या फिर railways है, तो है ना, airways या फिर railways. Clear everybody? Yes sir. Next, very important, 371, interest free या फिर concessional loan given by employer to employee. बहुत बढ़िया question किया था हम लोगों ने इसके ऊपर, याद है सभी को? Yes. अच्छा, मतलब मान लो बच्चों कोई आपका लोन दिया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को, ओके, इन दैट केस इंटरेस्ट फ्री दिया है या फिर बहुत कम इंटरेस्ट के रेट से दिया है, ओके, तो डिफरेंस विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. डिफरेंस मतलब क्या? अगर बच्चों विच रेट विल बी टेक? SBI रेट एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर. मतलब 1 अप्रैल वाला, आपके केस में 1 अप्रैल 2020 में जो रेट दिया है 1 अप्रैल वाला, ओके. See, भले लोन 2 साल 3 साल 4 साल पहले वाला रहेगा, जो भी रहेगा, बट जो परक्विजिट के लिए रेट देखना है आपको, दैट इज ऑन 1/4/2020 नाउ. बराबर है? ऑफ एसबीआई उस दिन जो रेट है बच्चों, अगर वो ज्यादा है ऑब्वियसली, तो देन द एम्प्लॉयर्स रेट डिफरेंस विल बी द रेट ऑफ परक्विजिट. बराबर है? अगर एसबीआई का रेट 10% है, एम्प्लॉयर का रेट 8% है, एसबीआई का 10, एम्प्लॉयर का 8, 2% बच्चों विल बी द रेट ऑफ परक्विजिट. अगर मान लो SBI के बच्चों रेट 10% है, एम्प्लॉयर का रेट 12% है, तो बच्चों कितना रहेगा वैल्यू पर क्विजिट? जीरो. ऑब्वियसली कॉमन सेंस. बराबर है? फाइन, दैट इज द रेट ऑफ पर क्विजिट. ओके, सो SBI रेट माइनस एम्प्लॉयर रेट, देन दिस रेट यू विल कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग. हाँ या ना, पहली बात वो, हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग. बराबर है? बट प्रिंसिपल बच्चों बैलेंस एज ऑन व्हाट टाइम? एंड ऑफ द मंथ. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एज एट द एंड ऑफ द मंथ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसलिए अगर मान लो अगर एम्प्लॉय हर महीना पे कर रहा है, फिर हर क्वार्टर पे कर रहा है, आपको टेंशन होने वाला है, बिकॉज यू हैव टू चेक द बैलेंस एज एट एंड ऑफ एवरी मंथ. समझे? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू चेक प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द मंथ थ्रू आउट द ईयर टू कैलकुलेट द परक्विजिट. बराबर है? देन अगर बच्चों देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस, कि अगर लोन दिया है कंसेशन या फिर इंटरेस्ट, कंसेशन या फिर इंटरेस्ट फ्री, फिर भी इट इज नॉट अ परक्विजिट. बच्चों को व्हाट पर्पस? पहला वाला मुझको बताओ, पहला
लिमिट बताओ, लिमिट कहां तक दिया लोन दैट इज इट इज नॉट टैक्सेबल? 20,000. बेशर्मो याद रखो, 20,000 याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. हाँ तो बोलो जल्दी. ओके, इफ लोन अमाउंट डजंट एक्सीड, बच्चों कितना, किधर गया वो, किधर गया 20,000? यस, देन देयर इज नो, 20,000 तक चलता है भाई, समझे? लोन वो गिफ्ट नहीं दे रहा है, लोन दे रहा है, तो लोन रीपे तो कर, मतलब करवा लेगा. यस, बट द लोन अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 20,000, देन दैट इज नॉट अ परक्विजिट. देन सेकेंडली बच्चों, लोन इज गिवन फॉर व्हाट पर्पस? स्पेसिफिक डिजीज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, चेक करना. So medical treatment of specified disease, okay? Medical treatment of specified disease, yes or no? Clear? Even that will not be taxable, even if it is more than 20,000. Barabar hai? Loan for what purpose? Medical treatment kiska bacho? Khud ka? Ya fir uske family member, kaun-kaun spouse, children and their spouses, children ke bhi spouses, parents, servants and dependents also. Barabar hai? Aaya na? Clear everybody? Okay. बट बच्चों, अगर लोन दिया है मेडिकल के पर्पस के लिए और आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी है मान लो, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको कुछ रिपे किया, ओके, दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दैट परपोजिट. बराबर है? मतलब बेसिकली आपको जो भी मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दैट विल बी टैक्सेबल. कैन आई से दैट? आपको जो भी रिकवर होगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बच्चों, दैट विल बी टैक्सेबल. ओके, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ क्लास में, देख लेना नोट्स में. ओके, एवरीबॉडी ओके? लियो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं होता है, परक्विजिट नहीं होता है ना. प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों परक्विजिट नहीं होता, वो तो रीपे करना ही है. आप इंटरेस्ट जो कम रेट से पे कर रहे हो बिकॉज यू गेटिंग सम बेनिफिट, दैट इज एग्जेम्प्ट. बराबर बच्चों? एग्जेम्प्ट सर, दैट इज सॉरी योर परक्विजिट. सो लोन या फिर प्रिंसिपल इज नॉट अ परक्विजिट, इंटरेस्ट इज अ परक्विजिट. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. डन. ओके, देन सबसे खतरनाक, इसके लिए अलग लेक्चर होना चाहिए. कौन सा बच्चों? मोटर कार. Yes. So any car facility given from office to home, home to office does not fall under this perquisite. ठीक है? इसमें total दो ही चीजें main है. If the car is owned by the employer or hired by the employer. बराबर है? And secondly, if the बच्चों car is owned by the employee. That is one thing. Right? Now secondly, बच्चों उसमें क्या होगा? The car is used for wholly official purpose. The car is used for बच्चों wholly personal purpose. And thirdly, बच्चों, the car is used for both the purpose, official as well as personal. बराबर? And last चीज़ है बच्चों, it is a small car or a big car. मतलब engine capacity up to 1600 cc, up to 1600 cc, that is also 1.6 liter engine, up to 1.6 liter. या फिर बच्चों, exceeding 1600 cc. Yes, everybody, done till here? आया ना? चलो. Where the car is owned by the employer or hired by the employer. और बच्चों, employee ने पूरी पूरी तरह से बच्चों, it is used only for official purpose. तो बच्चों, what is the value of purpose? कोई फायदा नहीं है एम्प्लॉई को. सो देयर इज नो परक्विजिट, भले छोटी कर रहा हो बड़ी कर रहा हो, बस एम्प्लॉयर का बच्चों डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा. बराबर है? अच्छा, सेकंड केस, इफ द कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ने पूरी तरह से बच्चों उसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया बच्चों, हाँ या ना? क्लियर है? और जो भी खर्चा पानी, एवरीथिंग इज डन बाय द एम्प्लॉयर. बराबर बच्चों? हाँ या ना? द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. सो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, car used by employee fully for personal purposes and entire running and expenditure, maintenance expenditure done by employer. What is the value per quarter, bachcho? Check. Dono ke liye same hai, bhale choti kar raho ya badi kar raho, hai na? Actual expenditure incurred by the employer. Barabar hai, bachcho? Running and maintenance expenditure incurred by the employer. Barabar hai? Yes? Then, aage isme aapke add karoge ya less karoge? You will add depreciation. Yes or no? 10% of actual cost. Yes, everybody? ये आप करेगा वैल्यूएशन पर क्विज, उसमें से अगर कोई कुछ रिकवरी करते हैं हम लोग एम्प्लॉई से, दैट विल बी रिड्यूस्ड. सो सुनो मेरे, आई विल रिपीट क्विकली अगेन. कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाय ना, देन यूज बाय एम्प्लॉई कंप्लीटली फॉर पर्सनल पर्पसेस, और उसका जितना भी जो भी खर्चा पानी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, दैट इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. तो बच्चों, इन दैट केस वो बड़ी कर रहे हैं या छोटी कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यूएशन पर क्विज? एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया प्लस बच्चों, ओके, हाय ना, यू हैव टू ऐड ओवर देयर एज इंक्रीज बाय, दिख रहा है 10% depreciation, that is normal wear and tear. 10% of actual cost. और उसमें से अगर कुछ employee ने pay किया, that will be reduced. Okay everybody, done? Then तो आपको ये 18 और 24 से जो भी रहेगा, you have to remember कि वो जब mix use में रहेगा तभी लेना है. तो what is this now case बच्चों? सुनो मेरी बात. When again the car is owned or hired by the employer, बराबर बच्चों? अब यहाँ पे the employee is using it for what? Private as well as your official purpose. Okay everyone, till here? Yes. उसमें now we have two parts. Again, please pay attention. Car is owned or hired by the employer
used by the employee for both the purposes, personal as well as official. But in this case, entire expenditure is borne by the employer, konsa, running and maintenance, ya fir employee for his personal purposes, bachcho, is spending on his own. Ko samjha aapko, all of you? Everybody tell me quickly. Sindha ho tum. Yes, sir. Okay. So again, owned by employer, used by employee for both the purposes, and entire 100% expenditure is done by employer. Then now that depends, bachcho, ki wo choti kar hai, badi kar hai. Choti kar hai to 18 rupees per month. All the valuation is per month. Plus 900 rupees for the driver. Aaya na? And agar bachcho badi kar hai to kitna bachcho? 24 rupees per month. And plus 900 bachcho if again there is a driver also provided. Aaya na? All of you understood here? Yes. All right. But agar bachcho maan lo, फिर से एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा है, बट जो खुद का पर्सनल पर्पस है उसके लिए वो खुद खर्चा कर रहा है एम्प्लॉई, इन दैट केस पर कुछ थोड़ा सा कम रहेगा बच्चों, कितना रहेगा चेक करो. फॉर स्मॉल कार 600 रुपए पर मंथ, ड्राइवर को तो उतना ही लगना है इररेस्पेक्टिव 900 रुपए पर मंथ के लिए अगर ड्राइवर भी है तो. ओके, एंड 900 रुपए पर मंथ फॉर बड़ी कार एंड प्लस 900 अगेन फॉर द ड्राइवर. बराबर बच्चों? सो 1800, 2400, 600, 900 इतना याद रखना. आया ना? Plus 900 will always be there for the driver. Everyone okay till here? Done? Yes, sir. Second part. Kab bachcho? When the car is owned by the employee. Hai na? To usme perquisite kya hua? Jo bhi running and maintenance expenditure bachcho, that is borne or you can say paid by the employer. Hai na? Ya phir reimburse, jo bhi hai. Barabar hai? Check karo. Usme tumhari do cheeze hongi. Personal car hai, but using completely for official purpose. कार उसके नाम से लिया गया है, बट यूजिंग इट कंप्लीटली फॉर बच्चों ओनली ऑफिशियल पर्पस के लिए, सॉरी बिजनेस पर्पस के लिए. हाँ या ना? ऑफिशियल पर्पस बच्चों, क्लियर है? इन दैट केस अगर वो बच्चों खुद की कार कंपनी के लिए यूज कर रहा है, देन ही हैज नो बेनिफिट इन फैक्ट. ओके, यस और नो? क्लियर टू क्लियर? क्योंकि ही इज यूजिंग इट कंप्लीटली फॉर ऑफिशियल पर्पस ना, तो अगर उसको बच्चों खर्चा भी रीइंबर्समेंट होता है, वो उसका खुद के फायदे के लिए थोड़ी था. समझ रहे हो? इट इज लाइक यूजिंग योर ओन पर्सनल लैपटॉप for official purpose. कुछ समझा कि नहीं समझा मैंने क्या कहा आपको? It is like using your own personal laptop. आपका खुद का owned वाला laptop. But for office purpose only. उसमें भाई तुम्हारा खुद का क्या फायदा? कुछ भी नहीं employee का. समझे? So there is no purpose. Clear है? बस documentation will have to be maintained by the employer. Everyone okay till here? Yes. हाँ है ना? Okay. But बच्चों, if the car is owned by the employee and using it for both the purposes, official as well as private. Aaya na, everyone? In that case, agar if the kharcha pani, running and maintenance, agar bachcho employer kharcha kar raha hai, if the employer is paying that, in that case, kya hoga bachcho, check karo. Actual expenditure incurred by the employer, hai na, actual kharcha. Yaad aa raha hai? Which case, owned by employee, used for both the purpose. Owned by employee, bachcho, used for both the purpose. Barabar hai? So, and obviously expenditure is borne by the employer. तो जो जितना एक्चुअल खर्चा किया एम्प्लॉयर ने माइनस 1800 रुपए पर मंथ, वो 1800 में आप क्या ऐड करोगे? 900 रुपए का ड्राइवर भी दिया गया है तो. तो समझा कि नहीं समझा? सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर माइनस 1800, वो 1800 में 900 रुपए ऐड करोगे अगर ड्राइवर भी है तो, फॉर स्मॉल कार. बट फॉर स्मॉल कार बराबर है, बट अगर बड़ी कार है तो बच्चों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर माइनस 2400 है ना, माइनस बच्चों 2400, वो 2400 में आप क्या ऐड करोगे? 900 अगर ड्राइवर भी दिया गया है. हुआ बच्चों यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? टेल मी. यस सर. ओके ओके, उसके अलावा कुछ भी रहेगा? एनी अदर ऑटोमेटिक कन्वेंस भाई रहेगा? ओके, कुछ भी रहेगा ठीक है. तो अगर बच्चों एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, वो अभी रिक्शा रहने दो, ट्रैक्टर रहने दो, प्लेन रहने दो, बाइसिकल रहने दो, या फिर बाइक रहने दो ठीक है, बाइसिकल नहीं है उसमें छुपी ठीक है. तो सर रीइंबर्समेंट इज फॉर होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पस बच्चों, तो जो भी वो रीइंबर्स हो रहा है तो दैट इज मतलब In that case, it is not a purpose, है ना? जितना भी खर्चा पानी हो रहा है for official purpose. But such reimbursement is partly for official and partly for personal. So actual amount of expenditure incurred by the employer as reduced by बच्चों just 900 रुपए valuation रहेगा per month का for any other automotive इसके लिए. Yes, everybody. Okay. खाने पीने की बात करें हम लोग फिर अभी चलेगा. 373. Free or concessional food and non-alcoholic beverages अगर प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को. हाँ या ना बच्चों? ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड ऑफिस प्लेस पे रहेगा ठीक है, वो हमको देखना है.
तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, वो तो तुम्हारा होने ही वाला है ना. बट क्या क्या एग्जेम्प्ट है और नॉट चार्जेबल एज परक्विजिट. पहले बच्चों खाना, ओके खाना एंड नॉन दूसरा वाला पीना नहीं, ठीक है, बट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है. प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, वो भी बच्चों ऑफिस में ही, हाँ इंपॉर्टेंट है. कितना बच्चों एग्जेम्प्ट है, अप टू ₹50 पर मील. अगर उसको बच्चों वैल्यूएशन ₹70-80 आ रहा है थाली का, तो ऊपर का बच्चों विल बी टैक्सेबल. और फ्री फूड और कैन से नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, अगर अल्कोहलिक रहा तो भाई पूरा टैक्सेबल, इतना समझ जाना, ठीक है. दूसरा, अगर बच्चों यही चीज वाउचर से दिया जाए, ओके फ्री फूड और कैन से नॉन अल्कोहलिक थ्रू वाउचर विच इज नॉट ट्रांसफरेबल, उसका बच्चों वैल्यूएशन कितना रहेगा, ₹50 तक रहेगा पर मील तक, ठीक है. वहां तक उसको इट विल बी एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर का रहा इट विल बी टैक्सेबल, बराबर है. स्नेक्स चाय पानी विदाउट लिमिट एग्जेम्प्ट है, बराबर है. सो टी और स्नैक्स प्रोवाइड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, बट इट इंक्लूड्स एक्सटेंडेड ऑफिस आवर बच्चों, ओके. वीकेंड को काम पे आओ, ओवर टाइम के लिए भी इट इज एग्जेम्प्ट, याद रखना. अगर आप छुट्टी के दिन भी आप काम कर रहे हो फिर भी बच्चों इट विल बी एग्जेम्प्ट, क्लियर डिलियर विदाउट एनी लिमिट बच्चों. टी और स्नैक्स, आई थिंक हम लोगों ने कोई तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में किया था, आपने पूछा था ना मुझको. सो टी और स्नैक्स में बच्चों कोई भी लिमिट नहीं है. ऑल्सो बच्चों प्लीज, ये ₹50 का भी बच्चों अगर लिमिट नहीं रहेगा, इफ द एम्प्लॉई इज वर्किंग इन अ वेरी मच रिमोट एरिया और एन ऑफशोर लोकेशन, ओके. सो फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, बट बहुत रिमोट एरिया में है, इन दैट विल नॉट बी, वो ₹50 का भी बच्चों वहां पे लिमिट नहीं एप्लीकेबल होगा. समझे बच्चों यहां तक, क्लियर है. गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, वाह वाह वाह, गिफ्ट इन काइंड हुआ मतलब, वो गिफ्ट मतलब बच्चों गिफ्ट है अगर, मतलब क्या बच्चों गिफ्ट इन काइंड. अगर गिफ्ट इन कैश दिया तो कैश बच्चों क्या होगा, कैश का. और चेक ऑल्सो फॉर दैट मैटर फुल्ली टैक्सेबल, बराबर है. अगर गिफ्ट इन काइंड है बच्चों तो क्या होगा, वाउचर वगैरह ये सब तुम्हारा क्या होगा, अप टू ₹5,000 विल बी एग्जेम्प्ट, ओके. हाँ है ना. सो वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर और टोकन जो भी है, जो मानना मान लो, इन लियू ऑफ सच गिफ्ट. बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को गिफ्ट, सैलरीज के हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा. अगर किसी और ने बच्चों गिफ्ट दिया एम्प्लॉई को, कंफ्यूज मत हो जाना, इट विल गो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अगर कलीग्स ने, जैसे हम लोग देखा था ना, कलीग्स ने दिया, फ्रेंड्स ने दिया, वो आयोस में जाएगा. बट अगर एम्प्लॉयर ने दिया बच्चों गिफ्ट, वो सैलरीज के चैप्टर में रहेगा, ठीक है बच्चों. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, एफएमवी जो रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, बराबर है. आए ना, बट अप टू ₹5,000 हम उसको बच्चों एग्जेम्प्ट करेंगे. किसको दिया, एम्प्लॉय को दिया या घर वालों को, उसको भी दिया तो भी चलेगा, समझे. हाँ ना, गिफ्ट इन काइंड बच्चों, घड़ी दिया, वाउचर दिया, अप टू ₹5,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट. यस एवरीबॉडी, फाइंड लिया. ये क्रेडिट कार्ड और क्लब वाले में ज्यादा पूछते नहीं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी कवर कर देता हूँ, ठीक है. सो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस बच्चों चेक करना, व्हाट इज अ परक्विजिट, ओके. व्हाट इज अ परक्विजिट, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो, ओके. पेड फॉर इज रिइंबर्स, और अगर एम्प्लॉय ने पे किया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिइंबर्स किया बच्चों, दैट विल बी ऑब्वियसली योर परक्विजिट. क्या बोला मैंने, मेंबरशिप फीस एंड एनुअल फीस, ठीक है, इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्रा कार्ड. कार्ड ऑन कार्ड इज योर एड ऑन कार्ड, और यू कैन से एक्स्ट्रा कार्ड, बराबर एवरीबॉडी, यस और नो. बट विच इज नॉट अ बच्चों परक्विजिट, चेक करना. अगर बच्चों क्रेडिट कार्ड का खर्चा इज कंप्लीटली फॉर ऑफिशियल पर्पस, दैट इज नॉट अ परक्विजिट. क्रेडिट कार्ड बच्चों एम्प्लॉय ने खुद खर्चा किया, या फिर कंपनी का क्रेडिट कार्ड है और एम्प्लॉय ने खर्चा किया ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस, दैट इज नॉट अ परक्विजिट, है ना. ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट जो भी खर्चा पानी हुआ है, that is completely only and only for बच्चों official purposes, ठीक है, that is okay. official के लिए जो भी खर्चा रहेगा बच्चों, that is not a perquisite, yes. then club expenditure बच्चों, okay. अगर बच्चों employer ने कोई reimburse किया या फिर payment किया है in case of any club, okay, है ना, including any annual or annual fees या फिर joining fees, that will be बच्चों your taxable perquisite. but बच्चों कौन सा type of club के लिए perquisite नहीं रहेगा, health और sports club, बराबर है, हेल्थ और स्पोर्ट्स क्लब. बट बच्चों तुम्हारे सभी एम्प्लॉयज के लिए यूनिफॉर्म अगर पॉलिसी रहेगा तो ही, ऐसा नहीं कि एक ग्रेड के ऊपर उनको ही मिलेगा, एक ग्रेड के नीचे वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. अगर आप सभी को फैसिलिटी दे रहे हो क्लब मेंबरशिप की, स्पेशली फॉर हेल्थ और स्पोर्ट्स, दैट विल नॉट बी परक्विजिट. ऑल्सो अगर ऐसा कोई क्लब है विच इज ओनली यूज फॉर ओनली नेटवर्किंग और मार्केटिंग और कैसे बिजनेस पर्पज के लिए बच्चों, ऐसे क्लब का खर्चा भी बच्चों इज नॉट अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई. हाँ या ना. बट कोई तीसरा ही क्लब है रिक्रिएशन के लिए, विच इज नॉट इवन हेल्थ और स्पोर्ट्स क्लब, कोई तीसरा ही बच्चों कोई म्यूजिक वाला क्लब रहेगा, कुछ भी रहेगा, ओके. जो इनिशियल फी है बच्चों
ज्वाइनिंग वाला दैट इज नॉट अ परक्विजिट, बट अगर बच्चों आपका एनुअल फीस जो भी रहेगा अगले साल से दैट विल बी अ परक्विजिट. ठीक है बच्चों यहाँ तक फाइन. तो क्रेडिट कार्ड और क्लब्स के ऊपर कभी पूछा नहीं ज्यादा, बट ठीक है फिर भी कर करो है ना. देन 377 कौन सा यूज ऑफ मूवेबल एसेट. बच्चों हु इज द ओनर ऑफ द एसेट, हु इज द ओनर, एम्प्लॉयर ही है हाँ है ना, बट एम्प्लॉय को दिया है इस्तेमाल करने के लिए. तो यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयर गिवन टू एम्प्लॉय फॉर यूज, व्हाट इज द परक्विजिट, नील नथिंग. लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बच्चों कोई भी परक्विजिट नहीं है हाँ या ना. देन एनी अदर असेट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, बच्चों 10% पर एनम हाँ या ना ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ऑफ दिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. एंड अदर असेट्स टेकन ऑन हायर बाय द एम्प्लॉयर, बच्चों क्या रहेगा परक्विजिट, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर. फिर से बच्चों पेड या फिर पेएबल भी आएगा यहाँ पे हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं. विल ऑब्वियसली कैलकुलेट फॉर द नंबर ऑफ डेज और मंथ्स यूज्ड बाय द एम्प्लॉई, बट ये यूज में प्लीज याद रखना लैपटॉप कंप्यूटर नहीं आता है, बाकी कोई भी रहेगा 10%. अगर वो हायर पर लिया है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेएबल. बट ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट 378, मतलब ओनर बच्चों एम्प्लॉयर था, अब वो ट्रांसफर हो रहा है एम्प्लॉय को, बेच रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय को, भले हम कुछ एम्प्लॉय से ले या ना ले, अगर एम्प्लॉय से कुछ नहीं लिया तो फ्री हो गया ना, मतलब फ्री में दे दिया उसको, दैट विल बी बच्चों ऑब्वियसली, पर उसके लिए हमको परक्विजिट वैल्यूएशन करना पड़ेगा. कंप्यूटर्स एंड बच्चों अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बच्चों क्या व्हाइट गुड्स आएंगे, आएंगे हाँ या ना, टेल मी, कुछ याद है ना व्हाइट गुड्स. यस सर. व्हाट आर व्हाइट गुड्स बच्चों, कौन सा आएगा आपका उसमें. माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन, व्हाट एल्स, रेफ्रिजरेटर, डेटा स्टोरेज नहीं है तो उसमें वॉशिंग मशीन. हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मींस, सुनो मेरी बात, डेटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स, पर क्या नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड व्हाइट गुड्स. इलेक्ट्रॉनिक आइटम बच्चों कंप्यूटर के साथ व्हाइट गुड्स नहीं आते हैं, वो जाएंगे आपके एनी अदर एसेट में हाँ या ना. यस सर. White goods are not part of electronic or computers. Like what? Microwave, oven, hot plate, जो भी इन्होंने कहा है, okay? Washing machine, microwave, ovens, hot plate, fixers, जो भी रहेगा, okay? ये आपके any other asset में जाएंगे, computers और electronic में नहीं जाएंगे. Computer, electronic में बच्चों बस तुम्हारा hard disk, data storage वाले pen drive, okay? Computer, digital diaries and printers जाएंगे. बराबर है all of you? अच्छा. Not only computers, electronic item के लिए बच्चों, what is the value of perquisite इन सभी के लिए? WDV देखना है अपने को. And minus whatever is required from the employee. WDV का लिए बच्चों method भले सुनो मेरी बात. Accounting में कुछ भी use करने दो. Please सुनो मेरी बात. Depreciation का rate accounting में कुछ भी इस्तेमाल करने दो. बाद में section 32 हम लोग PGP में करेंगे उसके लिए कुछ भी इस्तेमाल करने दो. वो छोड़ दो भाई. Salary के लिए उन्होंने अलग से देके रखा है. हाँ या ना? Yes sir. Computer and electronic items के लिए बच्चों depreciation कैसे करोगे आप? 50% WDV tell me. 50% WDV हाँ या ना? Yes, sir. Now that 50% WDV will be for financial year to financial year, yeah, date of ownership till date of transfer. Till date of transfer. समझ रहे हो? So जिस दिन company owner बनी थी वो asset की, सुनो मेरी बात. जिस दिन company owner बनी थी बच्चों वो asset की, and जिस दिन employee को बेचा गया है, those 365 days हमको देखने हैं, okay? कितने total 365 days complete हुए हैं? समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब मान लो बच्चों 1/11/2017 को कंपनी ने वो परचेज किया था, और बच्चों मान लो 30th August 2020 को बच्चों दिया है एम्प्लॉई को. आई एम रिपीटिंग, कंपनी ने खरीदा 1/11/17 को और एम्प्लॉयर को दिया बच्चों, एम्प्लॉई को दिया 30th August 2020 को. कितने साल हुए बच्चों? 2 साल कंप्लीट. आपको बस 1/11/17 से ही देखना है. सो 1/11/18 प्लीज याद रखना ये. Yes, 365 days देखना है आपको साल टू साल. ओके वेरी इंपॉर्टेंट. देन मोटर कार बच्चों, मोटरसाइकिल किसमें आएगा? किसमें बच्चों? मोटरसाइकिल आएगा, बाइक आएगा, रिक्शा आएगा? नहीं. मोटरसाइकिल विल आल्सो बच्चों गो अंडर व्हाट? एनी अदर एसेट. क्लियर है? अच्छा मोटर कार का बच्चों डेप्रिसिएशन कितना है? 20% WDV. बराबर है. एंड नाउ एनी अदर एसेट का दैट इंक्लूड्स योर व्हाइट गुड्स, टेल मी बच्चों. यस टेल मी, व्हाइट गुड्स आएंगे क्या? यस
ऑब्वियसली yes, आएंगे अभी हाँ. अब ये क्या हुआ बच्चों, एसएलएम हुआ आपका 10% है. स्ट्रेट लाइन मेथड पर तो बच्चों 10% फॉर ईच ईयर बराबर. यस. तो जिस दिन उसको बच्चों ट्रांसफर किया गया है उस दिन का WDV विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. उसमें सिर्फ अगर बच्चों उसने एम्प्लॉय ने कुछ पे किया तो हम लोग रिड्यूस कर लेंगे. समझे कि नहीं समझे, है ना ऑल ऑफ यू क्लियर है. वैसे कॉमन सेंस बच्चों यूज रखना, परक्विजिट कैन नेवर एवर बी नेगेटिव. ओके एवरीबॉडी चलो आगे बढ़ते हम लोग. क्वाड्रेटिक इक्विटी सेक्शन 3 सॉरी नॉट सेक्शन रूल 38 है ना. Yes. A normal company which is not a startup company, कौन से साल में हम लोग उसको टैक्स करेंगे बच्चों? In the year of allotment of shares. Normal company के employee के लिए, मतलब which is not a startup company, बराबर है? Yes sir. What is the value of perquisite? Fair market value minus price paid by the employee to the employer, बराबर है? Yes sir. इसका बच्चों CG का भी impact आएगा capital gain का, वो हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो इस पे अगर since because यहाँ पे amendment आया था तो मैं स्टार्टअप का मुझे जल्दी बताओ बच्चों. स्टार्टअप अगर कंपनी का एम्प्लॉई है, स्टार्टअप जो भी है उसका एम्प्लॉई है, उसको बच्चों शेयर्स दिए गए, इन दैट केस वो स्वेट इक्विटी बच्चों विल बी टैक्स इन व्हिच ईयर? आफ्टर 4 मंथ्स. इट विल बी अर्लियर ऑफ एंड ऑफ, इट विल बी अर्लियर ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जहां पे उसको शेयर्स मिले हैं, या फिर जो साल में उसने बेचे हैं, या फिर उसने एम्प्लॉयमेंट भी छोड़ दिया. इन तीनों में से जो भी चीज जल्दी होगी वो साल में बच्चों टैक्सेबल होगा. इट इज ओनली फॉर employee of eligible startup. Clear? Yes. Yes, sir. Very good. बाकी के लोगों के लिए year of allotment, FME minus the price which is paid by the employee. हाँ. Yes, everybody. Yes, sir. All right. चलो आगे बढ़े हम लोग. चलो ये फिलहाल मैं करवा लेता हूँ. LTC. LTC बच्चों allowance है. It is an amount given. Okay, it is not a, it is an amount given. Exempt under section 10(5). Yes, subsection 10(5). LTC or LTA, that A is not allowance. It is leave travel assistance. है वो, ठीक है? या फिर leave travel concession. Okay, सुनो मेरी बात. इसमें क्या-क्या होगा? कुछ fixed amount बच्चों मान लो employee को देंगे. Okay? Again, common sense, exemption cannot be more than income. Income. Now बच्चों ये जो खर्चा दिया है employer ने employee के लिए, खाने पीने के लिए, traveling के लिए, शॉपिंग के लिए, क्या क्या पर्पस के लिए दिया है, इसमें से क्या एग्जेम्प्ट होगा बच्चों? ओनली एंड ओनली एंड ओनली ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, बराबर है? यस सर. ऑलराइट फाइन. व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर विल बी एग्जेम्प्ट, हमको देखना है, ठीक है? प्लीज याद रखना, अगर एम्प्लॉई ने जर्नी किया बाय एयर, मतलब कॉमन सेंस था, जहां से निकला जहां पे पहुंचा, दोनों जगह पे एयरपोर्ट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कैन ही गो टू सिंगापुर या यूएसए या दुबई, उसके लिए इसको मिलेगा बच्चों टिकट का एग्जेम्पशन? टेल मी नो. सो द जर्नी हैज टू बी परफॉर्मड इन इंडिया. ओके वेरी गुड. देन द जर्नी, अच्छा उसने बच्चों अगर वो एयरवे से गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन? शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द इकोनॉमी. वेरी गुड. सो पहली बात शॉर्टेस्ट रूट, सही बात है एकदम जगास. शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस, मतलब जो भी रूट रहेगा उससे, रूट हाँ रूट की बात करें हम लोग, ठीक है? उसका बच्चों क्या वैल्यू रहेगा, कौन सा एग्जेम्प्ट रहेगा? इकोनॉमिक क्लास का फेयर, एफ ए आर ई. ओके रेंट चार्जेस. ओके इकोनॉमिक क्लास वाला. नेशनल कैरियर, किंगफिशर, विस्तारा, विस्तारा नहीं, ठीक है? नेशनल कैरियर मतलब एयर इंडिया मान लो, ठीक है? आया ना? ओके ठीक है. सो इकोनॉमी फेयर ऑफ अ नेशनल कैरियर ऑन द शॉर्टेस्ट रूट, जितना वैल्यूएशन आएगा बच्चों दैट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर है? सेकेंड केस, अगर बच्चों योर डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन दोनों लोकेशन रेलवे से कनेक्टेड है, पर उसने जर्नी बच्चों अगर रेलवे से नहीं किया तो, सॉरी अदर देन एयरवेज किया ना, अदर देन एयरवेज. ओके डिपार्चर एंड सॉरी डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय रेलवे, मतलब ऑप्शन अवेलेबल था पर उसने ही वेंट थ्रू एनी अदर ऑप्शन, एयरवे से नहीं गया, मतलब ही वेंट बाय रेलवे या फिर रोड या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो? But he had the option of railway, इसलिए वो point आता है, समझ रहे हो? कि दोनों locations are connected by railways. In that case, बच्चों we will give exemption of railways. First class AC fare of railway का जो valuation आएगा, shortest route again, that will be the बच्चों value of exemption, है ना? All of yes, you. Very good. Again तीसरी चीज, अब यहाँ पे बच्चों का departure और destination are not connected by railway fully या फिर partly. तो मैंने बताया था अंडमान निकोबार हो गया, फिर ले लड़ाक हो गया, पूरा स्टार्ट टू एंड बच्चों वो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है,
तो बच्चों हम लोग फिर क्या देखेंगे, व्हाट विल बी द आवर वैल्यू ऑफ दिस एग्जेम्पशन डिलक्स. हां तो अगर नाउ दैट डिपेंड्स, नाउ दैट डिपेंड बच्चों क्या डिपेंड्स, कि वहां पे रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. अगर मान लो कोई बस से जा रहे हो, कोई और ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स का जो भी मतलब आप उसको नाम कहना चाहते हो दैट फैसिलिटी का, ओके डिलक्स क्लास, ओके फर्स्ट क्लास या फिर डिलक्स क्लास, उसका जो बच्चों ट्रांसपोर्ट उसका वैल्यूएशन आएगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट, दैट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर है? अगर मान लो बच्चों आप ऐसे रिमोट लोकेशन में जा रहे हो जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, आपको कहीं ना कोई प्राइवेट टूर ही करना पड़ रहा है, प्राइवेट कैब ही करना पड़ता है, इन दैट केस व्हाट विल यू डू, एज इफ रेलवे से जा रहे हो उतना डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपके रेलवे का बच्चों फर्स्ट क्लास एसी फेयर का उतने डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन. कुछ समझा आपको थोड़ा सा? यस सर. ऑल दीस केसेस ऑब्वियसली विल बी शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द डिपार्चर टू डेस्टिनेशन. क्लियर ऑल ऑफ यू? डन टिल हियर? यस यस एवरीबॉडी? यस सर. झकास. देन कितने जर्नीज अलाउड है बच्चों इन अ ब्लॉक ऑफ ईयर? टू जर्नीज के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेंगे इन अ ब्लॉक ऑफ फोर इयर्स. अगर आपने बच्चों दोनों जर्नीज नहीं किए या फिर आपने एक जर्नी नहीं किया, कैन दैट बी कैरीड फॉरवर्ड? ओनली वन जर्नी, ओनली वन जर्नी विल बी कैरीड फॉरवर्ड. यस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? ओके फाइन. देन वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसमें आते हम लोग बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए बच्चों आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन माना जाएगा? एम्प्लॉई, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के लिए बच्चों लिमिट है या नहीं है? है. दो चिल्ड्रन का फिलहाल लिमिट है, बट दो चिल्ड्रन विच आर बोर्न आफ्टर 1/10/1998, है ना, आफ्टर 1/10 बच्चों 1998 के लिए, उसके बाद अगर जो भी दोनों जो भी बोर्न हुए हैं, देयर इज अ लिमिट ऑफ टू चिल्ड्रन. उसके पहले अगर जो भी बर्थ वाले बच्चों के ऊपर कोई लिमिट नहीं है. एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस अबाउट मल्टीपल चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. क्या पहली बार आपको फर्स्ट चाइल्ड ही था और बाद में ट्विन्स ट्रिपलेट्स क्वाड्रुप्लेट्स हो गए, तो 1+2 रहा, मान लो, समझ रहे हो ना, 1+2, पहले 1 था बाद में 2 आ चुके, तो आपको कितना लिमिट मिलेगा बच्चों, दो चिल्ड्रन का या तीन चिल्ड्रन का मिलेगा? तीन का मिलेगा. बट अगर बच्चों इट इज ऑपोजिट 2+1 तो कितना मिलेगा? पहले दो का ही मिलेगा, मतलब दो का मिलेगा. यस एवरीबॉडी? यस सर. डिड यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, आपको वो ट्विन्स देंगे, एज देंगे, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर दैट. बराबर है? चिल्ड्रन डिपेंडेंट? सॉरी, should the children be dependent? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया. ना, वो यहाँ पे नहीं आता है. चेक करो, the benefit is available to individuals, okay, in respect of leave travel for himself, spouse और family के लिए भी है, spouse and children of the individual, ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली में यूजुअली डिपेंडेंसी का देखते नहीं है हम लोग. न्यूक्लियर फैमिली जब मैं कहता हूँ, मतलब मेरा वर्ड है वो, मतलब क्या, स्पाउस एंड ओन चिल्ड्रन, ठीक है. Yes, sir. And parents, brothers and sisters of the individual or any of them wholly or mainly depend on the individual. बच्चों जब parents और brother sister की बात करते हैं तब हम dependency की बात कर रहे हैं. Spouse और children के लिए हम लोग dependency नहीं देखते हैं. Okay? Okay. Fine. आगे बढ़े हम लोग. Traveling, touring and accommodation rule 372 अलग है यार. It is not LTC. It is over and above or separate than LTC. Okay? So expense incurred by the employee. अब देखना. So value of traveling, touring, stay and any other expenses borne by the employer, employer ने खर्चा किया है, or any holiday, अरे वाह, availed by employee or any family member, अगर वो LTC के part में cover नहीं हो रहा बच्चों, it is fully taxable, आया ना, then it is perquisite बच्चों, समझ रहे हो? तो जो भी LTC के अलावा है, that is fully taxable. कौन holiday पे बच्चों छुट्टी पे? Employee as well as family member अगर रहेंगे तो, बराबर है? Yes, everyone okay till here? If the बच्चों the facility is maintained by the employer, facility मतलब क्या बच्चों? कोई ना कोई vacation home है, vacation home. It is owned by employer, हाँ या ना? And is not available uniformly to all the employees. मतलब एक grade, एक level के ऊपर ही उनको ही मिलता है. तो बच्चों FM market value will be the value of perquisite. अगर यही चीज, वही facility कोई public को मिलती, कितने में मिलती बच्चों? That is the value of perquisite in the hands of employee. Yes or no, all of you? Clear? And lastly, employee is an official tour. And expenses are incurred for any accompanying member of his household. ये भी बहुत important question मैंने किया था. Member, sorry, employee खुद official काम के लिए गया था. जैसे मान लो तुम्हारे cricketers तुम्हारे खेलने के लिए जाते हैं, but official काम के लिए जाते हैं. उनके साथ अगर मान लो उनके साथ कोई बीवी है, जो भी है household member, तो household member का बच्चों जब तक official tour पे है, household member का बच्चों will be taxable as perquisite. हाँ या ना? So expenses are incurred in respect of any family of member.
बट अगर बच्चों मान लो एम्प्लॉई ने ही उसका ऑफिशियल टूर एक्सटेंड करवा दिया हॉलीडे के लिए, क्या बोला मैंने, एम्प्लॉई ने ही उसका ऑफिशियल टूर एक्सटेंड करवा दिया हॉलीडे के लिए, नाउ इन दैट केस जो भी अभी हॉलीडे चल रहा है वो एम्प्लॉई एज वेल एज बच्चों फैमिली मेंबर के लिए, फैमिली मेंबर का भी खर्चा बच्चों विल बी फुल्ली टैक्सेबल. समझ रहे हो कि नहीं ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर? टेल मी. यस ओके चलो आगे बढ़े. And so there is no limit on family two? members here, right? Sorry? There is no limit of family members. यहाँ पे तो नहीं दिया. नहीं, it is because it is taxable ना. आने तो जिसको आना है. कोई टेंशन नहीं. Because we are making it taxable ना. ऐसा. Exemption की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? Okay? Okay. Then, medical facility बच्चों very important, very important, very very important. पहली बात बच्चों medical facility के लिए employee and family member आएंगे. अब बच्चों family member में कौन-कौन आएंगे? इंडिविजुअल, असेसी, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड कौन बच्चों डिपेंडेंट आएंगे कि नहीं, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स चेक करो. डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड ब्रदर्स सिस्टर्स वर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी, बराबर है? ओके अब चेक करो क्या क्या एग्जेम्पशन मिलने वाले हैं. अगर बच्चों हॉस्पिटल इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दैट हॉस्पिटल इंक्लूड बाय द क्लिनिक डिस्पेंसरी एंड नर्सिंग होम, इफ इट इज मेंटेन्ड कंप्लीटली बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी खर्चे के लिए एनी काइंड ऑफ डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज और नॉन स्पेसिफिक डिजीज, any expenditure done by the employer is exempt or taxable, it is fully exempt. Ha yana, it is fully exempt, barabar bachcho. Kaun treatment le raha hai? Anybody from the family member. Ha yana, all of you. Yes, if the hospital is not maintained by the employer but maintained by government, it is a government hospital maan lo, ya fir local authority ka hospital, ya fir bachcho it is a government approved hospital. Kya bola maine? Government approved hospital. Ha yana, everybody. Again, if not the expenditure is borne by the employer, otherwise reimbursed by the employer, bachcho, again it is not chargeable to tax, it is not a perquisite. Haan ya na? Bhale wo koi bhi disease rehne do. Barabar bachcho? But third point, agar if it is a specific disease, okay, rule 382 wala jo disease diya rahega, wo treatment kar rahe ho aap, other than employer's hospital, other than all these government hospitals, okay, uska aapko exemption mil sakta hai, only if that bachcho hospital is approved by Chief Commissioner of Income Tax. कुछ समझ रहे हो बच्चों? All of you. अगर ऐसा कोई prescribed disease है जिसका treatment of not in an employer hospital or not in the government approved hospitals में नहीं ले रहे हो, कोई private clinic है बहुत बढ़िया वाला hospital है, but that hospital बच्चों has to be approved by Commissioner of Income Tax. ठीक है? तब बच्चों आपको उसका treatment का भी benefit मिलेगा. That means it will not be taxable. And obviously last one बच्चों, health insurance premium if paid by the employer for the policy of family members, again it will not be taxable. It will be bachcho what? Exempt. Haan ya na? Yes. So medical insurance premium paid by the employer or reimbursed by the employer, again not chargeable to tax. Barabar all of you? Then medical bachcho facility agar aapne bahar outside India liya to, okay, check karo jo actual treatment hai bachcho uske liye koi limit hai kya? Check karo medical treatment, check karo RBI ka limit hai, hai na? Check karo. So medical treatment of the employee और फैमिली मेंबर आउटसाइड इंडिया, मेडिकल ट्रीटमेंट आरबीआई लिमिट, बराबर है? देन कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय एंड वन मेंबर, बस एक मेंबर चलता है बच्चों अटेंडेंट, हाँ या ना? है कि नहीं? जो भी पेशेंट है पेशेंट के साथ बच्चों वन एक अटेंडेंट चलता है, उसका कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रॉड कितना बच्चों? फिर भी आरबीआई लिमिट, बराबर है? इसमें हमको एक्चुअली कोई देखना नहीं है. एंड अगर ट्रैवलिंग का है बच्चों कितना है? एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब इट विल नॉट बी टैक्सेबल, ओके, if GTI doesn't exceed rupees 2 lakhs. ये बहुत रेयर केस होने वाला है. मतलब क्या? अगर बच्चों एम्प्लॉयर ट्रैवलिंग का भी खर्चा कर रहा है, it will be taxable. It will not be taxable only if the employee's GTI doesn't exceed 2 lakh rupees. Okay? बाकी का बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट जो है एंड स्टे का जो है बाहर का, अगर वो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है बच्चों, it will be exempt or not taxable till the RBI limit which will be given to you in the question. बराबर है? That means in all these cases बच्चों private doctor, आपका family doctor का बच्चों क्या रहेगा? Taxable या not taxable? Tell me. All of you, tell me. Taxable. It will be taxable. Okay. Family doctor, private doctor, all this will be taxable. Clear everybody? Yes. Then, okay, this point I have not covered. हम लोग कर लेते हैं. 17.2 क्या कहता है? Life insurance of employee. Okay. Any amount paid by the employer to effect, मतलब शुरू रखना. Life of the assessee or to effect contract for an annuity. Annuity means again for benefit of the employee is taxable in hands of all employees. ठीक है?
लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या देखा तुम लोगों ने बच्चों यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस बच्चों पॉलिसी अगर पे किया है then that is fully taxable. बट अगर बच्चों हेल्थ हेल्थ रहा तो क्या होगा, कुछ समझ रहा कि नहीं बच्चों? लाइफ इंश्योरेंस, हाँ, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया इट इज फुली टैक्सेबल, अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे किया इट इज फुली एग्जेम्प्ट. याद आ रहा है? सो लाइफ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड हेल्थ एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. बराबर है? एग्जेम्प्शन टू कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या क्या है, अगर कुछ कुछ पे किया तो अप टू 12% याद है हमको, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, याद है ना? Then approved superannuation fund. Again, it is a fund for the benefit of employee. अगर employer उसमें contribute करना है, up to 1.5 lakhs is exempt in the hands of employee. अगर 1.5 lakhs से बच्चों को contribute उससे भी ऊपर कर रहा है, then it is taxable. बराबर है? Then some group insurance schemes, then ESIC. Again, this will not be taxed in the hands of employee. Some fidelity guarantee scheme. Again, these are some schemes for the benefit of employees. जहाँ पे बच्चों employer खर्चा कर रहा है. And last बच्चों, but not the least, very 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 important. बच्चा को जब जो भी perquisite रहेगा, that will be taxed in the hands of employee as a what, any other obligation of the employee. Any other obligation matlab bachcho kya, agar employer uska wo kharcha nahi karta tha, then it would have been taxed in the hands of bachcho kya, employee. Samajh rahe ho any all of you? Yes, so check karo, please 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 check karo. Agar koi bhi rahega, jaise for example maan lo ek tumhara famous example aata shirt ka, employer is a manufacturer of shirt, usne bachcho shirt concession mein bahut discount mein de diya employee ko, ya fir koi bhi cheez de di hai employer ko जो बाकी कोई चीज बाकी कोई पॉइंट में कवर नहीं हो रहा है, व्हाट विल यू कैलकुलेट एज बच्चों परक्विजिट, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, हाँ या ना? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, है ना? आर्म्स लेंथ प्राइस ज्यादा रहेगा तुम जो, तो द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी कंसीडर्ड एज एट द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर अंडर आर्म्स लेंथ. मतलब बाकी के लोगों के लिए देता था उसका कितना कॉस्ट रहता था, दैट कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑब्वियसली माइनस व्हाटएवर वी रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय. यस और नो? इसके ऊपर मैंने खास एक क्वेश्चन करवाया था तुमको, याद है? देन सो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर, ओके, एनी अदर ऑब्लिगेशन में कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. देन अगर बच्चों टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन का खर्चा इज रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, दैट मोबाइल और टेलीफोन मे बी यूज फॉर पर्सनल और पब्लिक, व्हाटएवर इट इज, ऑफिशियल, ओके, व्हाटएवर इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अगर रीइंबर्स किया है एम्प्लॉयर ने या फिर पे किया एम्प्लॉयर ने. बट इफ अलाउंस इज गिवन, फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन इन अ सैलरी, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल. हाँ यार बच्चों, क्लियर है? और अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल. मेडिकल का रीइंबर्समेंट किया तो हम लोग देखेंगे 17(2) वाला, जो हम लोग टेबल देखा थोड़ी देर पहले. बराबर है? अगर मोबाइल या टेलीफोन का रीइंबर्स किया, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. हाँ या ना बच्चों, ऑल ऑफ यू? एंड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का प्रीमियम भी अगर एम्प्लॉयर ने पे किया बच्चों, इवन दैट इज एग्जेम्प्ट. यस एवरीबॉडी, और कोई परक्विजिट रहता है बच्चों? टेल मी, हो गया? डन, दैट इज योर बच्चों व्हाट, 17(2) salary. Okay, 17 subsection 2. All right, everybody? Yes, sir. All right.